एक साल तक लगातार दुष्कर्म के आरोपी वादित की धमकियों से डरती रही पीड़िता ने चुप्पी तोड़ दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद परिजन कड़ी कार्रवाई के लिए धरने पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई की। मध्यप्रदेश के हरदा जिले में आरोपी वाहिद ने कॉलेज की छात्रा को इंदौर रोड स्थित होटल आश्रम में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के डर से छात्रा एक साल तक चुप रही, लेकिन आरोपी एक साल तक लगातार छात्रा को प्रताड़ित करता रहा और पीटता रहा। छात्रा ने एक साल बाद घटना पर चुप्पी तोड़ी तो पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए धरने पर बैठ गए। 2 दिनों से धरने पर बैठे परिजनों को प्रशासन ने 24 घंटे का आश्वासन देते हुए आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। मगरदा ग्राम की एक बालिका के साथ अपराध होने की सूचना होने पर पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट करी। पीड़िता के परिवार द्वारा यह मांग की गई कि आरोपी पक्ष का जो भी अतिक्रमण गांव में है उसको ढहा दिया जाए। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन की टीम ग्राम मगरदा में उपस्थित है। उपस्थित होकर नप्ती की गई तहसीलदार महोदय द्वारा जो भी उचित कार्रवाई करने के उपरांत ग्रामवासियों को, ग्राम के जनप्रतिनिधियों को समझाइश दी गई एवं सभी संतुष्ट हैं। धरना समाप्त। हमारे द्वारा जो 2 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तो लगभग हमारी बहुत सारी मांगे प्रशासन द्वारा मान ली गई हैं। जो जांच अधिकारी बदलने की बात थी वो हमारी मान ली गई है। दूसरा, आरोपी के घर पे जो अवैध अतिक्रमण था तो उस पर आज प्रशासन ने उसको तोड़ने का काम किया है। साथ ही जो अभी उसका 1783 स्क्वायर फीट का और अवैध पट्टा जारी हुआ है उसका भी प्रशासन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि उसकी कार्रवाई हमने कर दी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।